खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर। सरदार निशान सिंह जी, सरसा से सांसद बहुत ही आदरणीय श्रीमती सुनीता दुग्गल जी, सरकार में चेयरमैन श्री सुभाष बराला जी, आपके रतिया के आपके अपने विधायक श्री नक्समन नापा जी, सरकार में पूर्व मंत्री रहे श्री कृष्ण बेदी जी, कंबोज सभा के प्रधान श्री, सरकार में पहले मंत्री रहे कर्णदेव कंबोज जी, हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री सुरेंद्र लेगा जी, पूर्व चेयरमैन जिला परिषद फतेहाबाद में रहे राकेश कसवा जी, श्री कंबोज श्याम कंबोज जी, हमारे जिले फतेहाबाद के उपायुक्त श्री प्रदीप जी, आज हम सब यहाँ महान क्रांतिकारी उद्यम सिंह जी का 42वां जो शहीदी दिवस है, उनको 82वां जो उनका शहीदी दिवस है उसको मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। आप सब जानते हैं, मेरे से पहले वक्ताओं ने उनके जीवन के बारे में आपने को बहुत कुछ बताया है। बहुत ही कम उम्र में उनके सर से अपने माँ बाप का साया उठा और उन्होंने बिना माँ बाप के ही अनाथालय में अपना जीवन बिताया और अपनी शिक्षा 10वीं तक की पूरी की। और जो जलियांवाला बाग में अंग्रेजों ने जो हमारे लोगों को मारने का एक निर्मम हत्याकांड किया, वो उनके दिलों पर उसके उद्यम सिंह के उनको घर कर लिया और उद्यम सिंह जी ने उसी दिन यह प्रतिज्ञा की कि ऐसे क्रूर जिन्होंने हमारे निहत्ते लोगों को मारने का काम किया है उसका बदला मैं जरूर लूंगा। और उसी प्रतिज्ञा को लंबे समय तक लगभग 20 साल तक अपने दिल में रखते हुए और वहां पहुंचकर उन्होंने हमारे जो निर्दोष लोग मारे थे उनकी हत्या करके उसका बदला लिया। साथियों, ऐसे महान सपूत जिन माओं ने पैदा किए हमें उनको याद रखना होगा। आज हम जो आजाद हिंदुस्तान में जो आजादी की खुली हवा में जी रहे हैं, ऐसे सपूतों ने अपने आप को इस देश पर कुर्बान करके हमें आजादी दिलवाई है। साथियों, लंबी लाइन है और ऐसे बहुत हमारे योद्धा हैं जिन्होंने अपने आप को इस भारत माता पर निछावर कर दिया, अपनी जानें कुर्बान कर दी। और जो उस टाइम अंग्रेज का शासन था उस शासन के खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़कर हमारे देश को आजाद करवाया। साथियों, आज ये जो प्रोग्राम हम मना रहे हैं हरियाणा सरकार में, इस प्रोग्राम को इसलिए मनाया जा रहा है कि हम हमारे देश के इतिहास को याद रखें, उन महात्माओं को, उन सूरवीरों को जिन्होंने अपने आप को देश पर निछावर किया, उनकी जीवनी हमारे देश के लिए, हमारे नौजवानों के लिए याद रखनी बहुत जरूरी है। साथी, हम सब जानते हैं कि हमारी जो पारिवारिक ड्यूटियां हैं, लेकिन उससे पहले इस देश के प्रति, इस प्रदेश के प्रति भी हमारी ड्यूटियां हैं। उद्यम सिंह जी ने अपने खुद को ना बनाकर अपने देश के लिए अपने आप को न्यौछावर किया, कुर्बान किया, क्योंकि उनको पता था जो काम मैं करने जा रहा हूं उसका आखिरी असर क्या होना है। उनको पता था कि वहां हत्या के बाद मुझे मौत की सजा जरूर मिलेगी, लेकिन उस फांसी के फंदे को उन्होंने हंसते हुए चूम लिया। साथियों, ऐसे योद्धाओं को हम सब नमन करते हैं और मैं तो खास तौर से हमारे युवाओं से आह्वान करना चाहूंगा। साथियों, हमारे जो सूरवीर योद्धा पैदा हुए, एक देश के प्रति जो उनका जज्बा था उसको याद करते हुए असली श्रद्धांजलि तब होगी हमारे इन सूरवीरों को, तब हम अपने आप को अपने देश के प्रति समर्पित करेंगे, हमारे समाज के प्रति समर्पित करेंगे। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि ये मेरा भी सौभाग्य रहा कि हमारे ग्रैंड फादर साहब कैप्टन उमराव सिंह जी ने नेताजी सुभाष चंद्र जी बोस के साथ मिलकर इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ी। इस देश की आजादी की लड़ाई में हमारा भी अहम योगदान है और ये मेरे लिए गर्व की बात है। एक बार मैं पुनः उनके चरणों में अपना शीश नमन करता हूं और उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और एक बार जो गणमान्य अतिथिगण यहां पहुंचे हैं, बाबा जी के जितने श्रद्धालु पहुंचे, जितने समाज के लोग पहुंचे हैं, सम्मानित मंच है, आप सबका मैं आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।